तो चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लाइव ट्रिक। तो यहाँ पर हर इन्वेस्टी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद यानी कि शुभ भारती यूनिवर्सिटी का आपको टॉप लेवल के कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो वो टॉप कोर्स लगभग आपको यहाँ पर लगभग 6 से 7 कोर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉप कोर्स की बात करेंगे यानी कि बीटेक की। अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से बीटेक कर सकेंगे यानी कि रेगुलर साइड से आपको यहाँ पर बीटेक मिल जाता है। और आपको यहाँ पर ये बीटेक के लिए प्लस टू पास होना चाहिए यानी कि प्लस टू में आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको साइंस साइड से होना चाहिए। अदरवाइज़ आप MBBS करना चाहते तो आपको यहाँ पर प्लस टू पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको 50% नंबर होने चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग प्लस टू में साइंस साइड से हैं और नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आप यहाँ पर MBBS कर पाएंगे। अगर आप लोग MBA करना चाहते हैं तो आप लोग MBA कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पर उसके लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोग यहाँ से MBA कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। जो लोग यहाँ से MTech करना चाहते हैं तो आप लोग MTech भी कर सकते हैं। MTech के लिए पास इन ग्रेजुएशन यानी कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अगर आप लोग दोनों ही कोर्स कम्प्लीट कर लेते तो आप यहाँ पर MTech भी कर पाएंगे। तो बात करते हैं BBA की। अगर आप लोग BBA करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस, तो आपका ये काफ़ी बेस्ट कोर्स माना जाता है। इसके लिए सिर्फ प्लस टू पास होना चाहिए। आप चाहे किसी भी साइड से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तो किसी भी साइड से का बच्चा यहाँ पर चल जाएगा BBA के लिए, तो बिल्कुल आसानी से आप BBA कर पाएंगे। तो बात करते हैं PhD की। अगर आप लोग PhD करना चाहते हैं तो PhD के लिए आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप लोग यहां से PhD कर सकेंगे बिल्कुल आसानी से। बात करते हैं MSc की। अगर आप लोग MSc करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर रेगुलर में MSc भी मिल जाती है। और MSc के लिए आपको यहां पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग यहां से MSc बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इतनी जानकारी देनी थी इस वीडियो में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस के कोर्स के बारे में कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस से कौन से टॉप लेवल के कोर्स मिलते हैं। तो प्लीज़ यार एक बार हमारे चैनल पर जाकर जरूर वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिस्टेंस के बारे में भी पूरा डिटेल से मिल जाएगा। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए नमस्कार। और हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।